संगीन मसला जो मुझे अभी फील हुआ है, मेरा दिल बड़ा दुख है उसे। ये कम से कम पीने के काबिल तो नहीं है। करक सूबह खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद एक बारानी और खुश्क ज़िला है। कोहाट बनू और लकी मरवत को आपस में मिलाता है। पेशावर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर इंडस हाईवे पर मौजूद है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद 1956 से 1982 तक कोहाट का इंतज़ामी हिस्सा माना जाता था। बाद अज़ां 1982 में करक ज़िला का दर्जा दे दिया गया। ज़िला करक में 3 तहसीलें हैं, बांडा दाऊद शाह, तख्ती नसरती और करक शामिल हैं। खटक कौम पहले पहल पहाड़ों में रिहायश पजीर हुआ करती थी। निचले इलाकों में मौजूद खेती बाड़ी की ज़मीन को क्राक कहते थे। दरअसल हल चलाते वक्त जो लकीर खींची जाती है उसे क्राक कहते हैं, और जब खेती बाड़ी करने जाते थे तो कहते थे चलो क्राक करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग निचली ज़मीनों के साथ रहने लगे और आबादी में इजाफा होने लगा। बाद अज़ा नाम क्राक से करक में तब्दील हुआ। खुश्क ज़मीन होने की वजह से बेर के काफ़ी दरख्त हैं और वाफिर मकदार में बेर पैदा होती है। बेर करक की मशहूर सौगात हैं। बेर और पलाई का दरख्त जिसे मकामी जबान में सरीन कहते हैं। इन दरख्तों के ज़्यादा होने की वजह से अच्छी मकदार में असली बेर की शहद भी मिलती है, जो कि काफ़ी मशहूर है। सूबा भर में इस शहद की रसद होती है। अगर मालूमात में कोई गलती हुई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। आइए गयूर और मेहमान नवाज पश्तानों के शहर का रुख करते हैं। बखैर राग ले, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। छोटों के बड़ों के ख्वातीन सबको बहुत बहुत सलाम। ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैं अपने देश करक से निकला हूँ और अपनी लिविंग सिटी की तरफ चल पड़ा हूँ, तो मैंने शायद बहुत कम ही कोई छोटा सा स्टॉप लिया होगा, लेकिन आज मुनासिब नहीं लग रहा था। करक सिटी में आ चुका हूँ। माशाल्लाह तरक्की का ये आलम है मेरे देश का, कि पहले ये एक लंबी गली हुआ करती थी और वही बाज़ार हुआ करता था, लेकिन माशाल्लाह से अभी यहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रीट्स बन चुकी हैं और यहाँ पे आपको रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं वो मिल जाती हैं। इस तरह के मुझे यहाँ पे अपना पेशावर का कारखानों का सेटअप दिख रहा है। यहाँ पर चाय मिलेगी और अभी चाय पीते हैं, पुलाव भी अभी हमें खानी आगे जाके, अभी चाय की बारी है, फिर बात करते हैं। तो ये चाय का जो सिप है मेरा पहला तो नहीं है, कुछ मैं ले चुका हूँ। चाय बड़ी अच्छी है, ये शायद मेरा 6ठा 7वां सिप हो, तो ये लेते हैं। करक बाज़ार में एक बात बहुत खुशायन लगी कि अब इस बाज़ार में सिर्फ खटक कौम ही नहीं बल्कि बाजावड़, मोमंद और दीगर मुख्तलिफ अकवाम भी अपना कारोबार करती हैं। पश्तून बेल्ट की मैं हमेशा बात करता आ रहा हूँ कि बड़ी मेहमान नवाजी है इन लोगों में, और हमेशा की तरह मैं इनको बताता नहीं हूँ कि मेरा चैनल है। पहले चाय वगैरह कुछ खा पी लेता हूँ, बाद में फिर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो अभी वही हुआ और जो लोकल लड़के या बंदे मुझे मिले लोकल, तो उन्होंने कहा कि आप ये बिल नहीं दे सकेंगे और आप हमारे मेहमान हैं। तो खैर ही उनकी तरफ से मुझे टी प्रोग्राम बना। अभी चलते हैं आगे और जानान स्पेशल पुलाव, अभी मूड तो नहीं बन रहा, लेकिन चलते हैं विजिट करवाते हैं और शायद कुछ थोड़ा बहुत खा लें। तो हियर वी गो। जानान स्पेशल पुलाव एंड कराची बिरयानी, आई थिंक यही ओरिजिनल वाले ही हैं और यहाँ पे शायद कॉपी नहीं है। तो चलें, चलते हैं। चलो शहन आ जाओ, बढ़ते हैं जानान स्पेशल पुलाव की तरफ। जानान पुलाव तक पहुँचने के लिए आपको जंगल में मंगल से जाना पड़ेगा, और वैसे स्टेयर बड़े ग्रीन और ग्रीन बने हुए हैं। खाने का सेटअप लगा है और लोग भी काफी बैठे हुए हैं।
कनान पुलाव में अभी बैठे हैं और आर्डर प्लेस कर दिया। और वैसे यहाँ पे जो केजी है वो 360 रुपीज़ का केजी है, और शायद 160 रुपीज़ का हमने बोल दिया, हाफ ऑफ द केजी, क्योंकि मैंने नाश्ता बड़ा भरपूर किया है और चाय मैंने पहली पी ली है। तो टेस्ट के लिए मैंने ऑर्डर किया है, शायान मेरे साथ हैं, तो इनको मैं सारा फिर जो बचेगा वो छोड़ दूंगा, अभी वेट करते हैं अभी फ़िलहाल। और शायान कैसा फील हो रहा है? अच्छा है। क्या कुछ नया देखने को मिला है? बनू और करक का फ़र्क क्या है? एक जैसा ही है। अच्छा, पहले कह रहे थे कि बनू का बाजार बहुत बड़ा है, ये छोटा है? नहीं, बड़ा तो है। हाँ, अभी पता चला है। वो तो बड़ा है, ये समंदर में कूदने से पहले बोल गए थे शायद, अब कूदें तो पता चला है। जनान पुलाव का मेरा हिस्ट्री में, लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, सो हियर वी गो। और ये दिखाऊँ आप लोगों को, तो बोटियाँ देख सकते हैं छोटी छोटी, और साथ में ये चावल, तो आपको टेस्ट करते हैं। Yes. अच्छे हैं एंड टेस्ट गुड। वैसे गांव देहातों में और जो करक टाइप की सिटीज़ होती हैं, तो इसमें थोड़ा जल्दी खाने का टाइम हो जाता है। मेरी तरफ से अब बस हो गई है और शायान खा रहे हैं, और मैंने भी बोल भी दिया हाफ हफ्ते के जो है वो पार्सल है, तो फैमिली के लिए। अब आगे चलते हैं, क्या मिलता है हमें करक सिटी में। जी गाइस, तो मुझे यहाँ पे नीचे आके जनान पुलाव पे पता चला कि यहाँ पे हलवा भी मिलता है, वो टेस्ट करते हैं। पेट मेरा फुल है, लेट्स गो। पेट खाली होना ज़रूरी होता है खाने के लिए। फेयर रिव्यू है, फाइन, ग्रेट, अच्छा टेस्ट है। चेक कर लो शायन एंड टेल मी। अच्छा गाइस, बेहतर है, करक सिटी में आते हैं, ट्राई दिस, आगे चलते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, बाय। आमिर शाह मार्केट इसको कहते हैं, और यहाँ से जहाँ के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं, वो भाई साहब ने मुझे बताए नाम बड़े मुश्किल हैं। पहला नाम बता दें, इसाक सिंगणी के लिए गाड़ी निकलती है, बल होंडाए पलोसा, इसके लिए गाड़ी निकलती है। ठीक है, क्या दूसरा अड्डा है? अच्छा, वो कोई और अड्डा है, लेकिन नाम मैंने आप लोग कुछ बता दिया, यहाँ से गाड़ियाँ भी निकलती हैं अगर आप लोगों ने जाना है। वैसे जब मैं करक को प्रॉपर एक्सप्लोर करूँगा बाइक के ऊपर, आप लोग बड़ी सारी जगह दिखाऊंगा। चैनल पे नए आप कर दें सब्सक्राइब, घूम में आके और वहाँ से वहाँ के व्यूज़ देते हैं। चले चलते हैं, या अल्लाह खैर। ये इस किस्म की सीढ़ियाँ हमेशा मुझे मुश्किल लगती हैं, और मुझे डर भी लगता है, उधर जो स्पेस है ना खाली है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और ये हिल रही हैं। आ गए हैं ऊपर, आ गए हैं, अब करक के ऊपर से नज़ारे करवाते हैं। आप लोगों ने सिनेमैटिक देखे, ये शाहीन पकौड़े एंड समोसा वाला शॉप है नीचे, और पीछे इनके साथ ये फैमिली का सेटअप है। तो जहाँ मैं नीचे बात की, इनकी शॉप है भाई साहब की, और ये ऊपर सेटअप है। चलते हैं आगे। मेरे देश में शायद अब सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, और मुझे कुछ न्यूज़ ये मिली थी कि करक सिटी में जो है वो पानी बिजली पूरा है 100%, लेकिन यहाँ पे इन लोगों के मसले हैं, इन लोगों के इश्यूज़ हैं। और शायद करक में अगर आपको बिजली चाहिए सिटी में भी, तो आपको वो ऊपर जो सोलर दिख रहा है वो आपके पास होना चाहिए। गैस के बड़े मसले हैं, और एक संगीन मसला जो मुझे अभी फील हुआ है, मेरा दिल बड़ा दुख है उसे, कि यहाँ पानी भी आपको 20 रुपए का कूलर एक मिलेगा, पीने का पानी बोरिंग जाती है नीचे, तो खारा पानी है। अब ये चाचा अंकल ने मुझे पानी भी मंगवा के दिया कि आप ज़रा चेक करें और इसका कैसे जायका है, तो दे दें ज़रा ग्लास मुझे। और मुझे पता है कि मैंने कराची में थोड़ा बहुत टाइम गुजारा है, खारा पानी है, तो मुझे लग रहा है कि ये वही है। ये कम से कम पीने के काबिल तो नहीं है। हाँ, गर्मी में अगर आप थोड़ा इसमें बर्फ ऐड कर दें तो कोई शायद लीमू पानी बन जाए, खारा पानी है ये। काम है बाला, और जितने जमादारान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो करक की सिटी में जो लोग रहने वाले हैं, इनके लिए खारा पानी का बहुत मसला है। ये हल हो जाए, थोड़ा बिजली और गैस का मसला भी हल हो जाए, काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और मेरे ये जो देशवासी हैं करक के, शायद इनकी रिहाइश फिर आसान हो जाए, थोड़ा इनको सहूलत मिल जाएगी और खुश हो जाएंगे ये लोग। तो
खुदारा कुछ कर लें इनके लिए, खारा पानी। सुना तो मैंने यही कि 25 से 30 साल से ये दावे हो रहे हैं कि आपको टूटी में पानी मिल जाया करेगा, खारा नहीं होगा, मीठा पानी होगा। लेकिन अब तक मेरे देशवासी कूलर का पानी परचेज करके पी रहे हैं। अब मेरे पास तो कोई अथॉरिटी है नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन अपने ब्लॉग में मकसद मेरा नहीं था, लेकिन बताया जब उन्होंने तो दिल को लगी ये बात। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, गुड बाय, मां सलामा मेरे प्यारे देश से, एंड बूम।